इंजन टाइम्स पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में जिस तरह से, जिस तेज़ी से लोग, जो नौजवान गांजे और ड्रग्स के नशे में डूब रहे थे, जिस तरह से गांजा यहां पर बिक रहा था, जिस तरह से ड्रग्स कोकीन यहां पर बिक रहा था, उसी तरह से बेंगलुरु की पुलिस भी जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ख़ासकर जब बात गोविंदपुर पुलिस स्टेशन की और क्याड़गोनली पुलिस स्टेशन की आती है, तो यहाँ की पुलिस 3 गुना ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है और 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है फास्ट हो चुकी है पकड़ने में, ख़ास करके ड्रग्स पेडलर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा था मेरे पहले की वीडियो में जिस तरह से गोविंदपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस की टीम ने जो है एक ड्रग पेडलर को पकड़ा था, उसी तरह से काड़गोनहल्ली पुलिस स्टेशन की सर्कल इंस्पेक्टर संतोष, सब इंस्पेक्टर बाबू रेड्डी और सब इंस्पेक्टर राजेश ने जो है ऐसे ही एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है जो एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा ड्रग पेडलर है जो बॉलीवुड के बहुत सी मूवी में काम कर चुका है और ख़ास करके सिंगम मूवी, आप लोगों ने देखा था सिंगम मूवी में इंटरनेशनल ड्रग पेडलर डैनी जिस तरह से ड्रग स्मगलिंग करता है और उसके साथ ये बंदा मौजूद है। तो ये बंदा अपने कैरेक्टर में इस तरह से घुस चुका है कि वो आज रियल लाइफ में जो है ड्रग पेडलर बन चुका है। और इत्तेफाक से बॉम्बे से निकल कर वो आता है बेंगलोर और बेंगलोर में काड़गोनहल्ली पुलिस लिमिट HBR लेआउट BDA कॉम्प्लेक्स के पीछे जो है ये नौजवानों को ड्रग बेचता है। जी हाँ दोस्तों, NDMA क्रिस्टल्स कोकेन को जो है ये स्मगलिंग करके लाकर यहाँ पर बेच रहा था, लेकिन उसको जो है पकड़ लिया है। आप देख सकते हो इन तस्वीरों में इसके पास से NDMA क्रिस्टल्स यानी कि कोकेन और हैशिश ऑयल और बहुत सारा कैश जो है बरामद कर लिया है। और काड़गोनहल्ली पुलिस स्टेशन ने इसको गिरफ्तार करके इसके पास से बहुत सारे कोकेन, ड्रग्स और हैशिश ऑयल को जो है सीज कर लिया है।